मुख्तार अंसारी पिछले लगभग 18 वर्षों से कारागार में हैं। ऐसी परिस्थितियां एक बार 2002-03 में उत्पन्न हुई थी। इसी तरह से 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को टांडा में दी थी। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। मुख्तार अंसारी के गाजीपुर वाले केस में इतना तो स्पष्ट है कि अप्रूवल डीएम से नहीं लिया गया। स्पेशली मुख्तार अंसारी के मामले को जो हाईलाइट किया गया, तो उसको मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक कारण भी मामले को हाईलाइट करने के लिए है। तमाम बयानात आए और लोगों ने उसके लिए खुशी मनाई, वो सब ठीक है, चलिए। लेकिन इस देश में वो लोग खुशी मना रहे हैं जिनको इस व्यवस्था पे विश्वास नहीं। कोर्ट का निर्णय आया है और न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें कोई टीका टिप्पणी का अवसर नहीं। अगर आपको वो फैसला अच्छा नहीं लगता है, उसमें जो विसंगतियां हैं, उसमें जो कमी है, उसको आधार बना के आप ऊपर के न्यायालय में जाइए, आप उस पर टीका टिप्पणी कैसे करेंगे। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। पिछले दिनों गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाया, जिसको लेकर हर तरफ तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। इस बीच रविवार को बसपा सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल रविवार को जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए गाजीपुर के राइफल क्लब में दिशा की मीटिंग की अध्यक्षता सांसद अफजाल अंसारी कर रहे थे। मीटिंग खत्म हुई तो वहां मौजूद विधायकों से मीडिया द्वारा विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछे गए, तो वहीं अफजाल अंसारी से मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल पूछे गए। खैर, आजकल टीआरपी भी इन्हीं खबरों से आती है, जनता को भी मसाला पसंद है। कुछ लोग कहते हैं कि विकास का क्या है, वो तो होता ही रहेगा। खैर, हम अपने अगले कार्यक्रम में विकास कार्यों और विधायकों के जवाब को विश्लेषित करेंगे। अभी बात अफजाल अंसारी के बयान की कर लेते हैं। सवाल यह है कि अंसारी परिवार पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से अफजाल अंसारी के चेहरे पर सिकन थी या वो जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर थे। खैर, कानूनी कार्रवाइयों के बीच सांसद अफजाल अंसारी लगातार सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं और दिशा की मीटिंग में विकास कार्यों को लेकर सवाल भी कर रहे हैं। सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में हुई सजा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि वर्ष 2002-2003 में टाडा कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की सजा सुनाई थी, लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार अंसारी पिछले करीब 18 वर्षों से जेल में है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा मिली है, ऐसे में मुख्तार आजीवन कारावास की सजा के बराबर तो करीब जेल में रह चुके हैं। इस कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसको माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए। हम इतना आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पिछले लगभग 18 वर्षों से कारागार में हैं। बिना सजा हुए भी तो एक आजीवन कारावास के बराबर वो सजा काट चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब इस केस में जो गैंगस्टर का केस है, इसमें मैक्सिमम 10 साल की सजा जो हो सकती थी वो यहाँ के न्यायालय ने दिया है। अब उनका विवेक जो पत्रावली पे उनके साथ साक्ष्य थे उसके हिसाब से अब इसको माननीय उच्च न्यायालय में जब चुनौती है। देखिए, एक बात बताएं, ऐसी परिस्थितियां एक बार 2002-03 में उत्पन्न हुई थी। तब मुख्तार अंसारी के विरुद्ध टांडा कोर्ट दिल्ली में जज थे उस वक्त ढींगरा साहब, बड़े मशहूर जज हुआ करते थे। उन्होंने इसी तरह से 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को टांडा में दी थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस सजा के आदेश को चुनौती दी गई थी, क्योंकि टांडा हाईकोर्ट में नहीं उसको चुनौती है। वो हाईकोर्ट के पैरेलल उसके भी हाफ पे ये कोर्ट होती थी, स्पेशल कोर्ट, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। मुद्दा भी अजीब तरह का है,
यहां जो मुद्दा था उनके वकीलों ने जो उठाया वो ये उठाया कि यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986, इसमें इस तरह की व्यवस्था है कि ये पुलिस जब किसी के विरुद्ध कायम करती है तो साथ ही साथ वो डीएम से उसका अप्रूवल लेती है, और डीएम से अप्रूवल लेने के बाद किसी के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा कायम होता है, और फिर उसका उसकी जब चार्जशीट देती है तब डीएम से अप्रूवल ले लेती है। मुख्तार अंसारी के गाजीपुर वाले केस में इतना तो स्पष्ट है कि अप्रूवल डीएम से नहीं लिया गया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। यहां पे जब उन लोगों ने यह दरखास्त डाली कि अप्रूवल के बगैर ये केस हमारे विरुद्ध कैसे चलाया जाए, तो यहां न्यायालय ने उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी, वो लोग हाईकोर्ट चले गए। अब ये लीगल इशू डिसाइड होना था 16 तारीख को और एक दिन पहले यहां 15 तारीख में डिसाइड हो गया, तो वो रिट जो गए थे ये वो इन्फेक्चुअस हो गई, लेकिन वो विषय डिसाइड नहीं हो सका, वो लीगल इशू डिसाइड नहीं हो सका कि जिसमें बिना अप्रूवल के भी चलाया जा सकता था केस कि नहीं चलाया जा सकता, एक बार। और दूसरी बात यह है कि यही सेम बिंदु था सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने भी जो ढिंगरा साहब ने जो सजा दी थी 10 साल की, उसमें एक ही विषय चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि मुख्तार अंसारी के विरुद्ध टांडा के मुकदमे में कमिश्नर दिल्ली ने अप्रूवल नहीं दिया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया था और जो सजा का आदेश था उसको समाप्त कर दिया था। अब ये कोर्ट पे सब कोई मतलब न्यायिक मामलों में इतना नहीं बोला जा सकता, जल्दबाजी थी, वो लोग मांग रहे थे कि हमको समय दे दीजिए, उनको भी पता था कि 16 को वहां डिसाइड हो जाएगा। अब उसके बाद भी वो चूंकि पहले से तय कर चुके थे कि हम 15 को देंगे, 15 को दे दिए, एक फैसला तो आ गया और वो फैसला उनके सजा का। अब बाकी उस फैसले के आधार पर बहुत सा फैसला तो हमारे मीडिया के साथियों ने इसको जिस तरह से प्रचारित किया वो अपने आप में एक अजीब बात थी। देश में बहुत से ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं, गाजीपुर में भी बहुत से केस ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन स्पेशली मुख्तार अंसारी के मामले को जो हाईलाइट किया गया तो उसको मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक कारण भी मामले को हाईलाइट करने के लिए है। तमाम बयानात आए और लोगों ने उसके लिए खुशी मनाई, वो सब ठीक है, चलिए मुकदमे हैं और मुकदमे जब न्यायालय में, हमें बस इतना संतुष्ट है कि किसी के विरुद्ध जब आरोप हो तो उस आरोप का परीक्षण न्यायालय में हो और न्याय के मार्ग पर जो उचित हो उसके हिसाब से उसका निस्तारण हो। लेकिन इस देश में वो लोग खुशी मना रहे हैं जिनको इस व्यवस्था पे विश्वास नहीं। अब गुड्डू भाई के ऊपर मुकदमा कायम हो जाए दंगा करने का, फसाद करने का, अब गुड्डू भाई अपने मुकदमे का विचारण कोर्ट में नहीं कराएंगे, और अफजाल अंसारी पे मुकदमा कायम हो जाए तो डे बाय डे करा देंगे। ये सब जनता भी तो देख रही है, उसको भी तो लग रहा है कि कुछ अधिक हो रहा है, इफरात हो रहा है, देखा जाएगा। अभी तो जो एक बात है कि एक कोर्ट का निर्णय आया है और न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें कोई टीका टिप्पणी का अवसर नहीं। अगर आपको वो फैसला अच्छा नहीं लगता है, उसमें जो विसंगतियां हैं, उसमें जो कमी है, उसको आधार बना के आप ऊपर के न्यायालय में जाइए, आप उस पर टीका टिप्पणी कैसे करेंगे? आपके वकील साहब ने बताया था कि देखिए गैंगस्टर अपने आप में पैरों पर खड़ा होने वाला कोई अपराध नहीं, ये किसी दूसरे पैर पे खड़ा होता है। जैसे किसी के विरुद्ध एक मुकदमा है या किसी के विरुद्ध दो चार मुकदमा है, तो जब गैंगस्टर का मुकदमा कायम होता है तब उसमें लिखा जाता है कि ये आदमी गैंगस्टर एक्ट में इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जा रहा कि इसने फला जगह घटना की, फला जगह घटना की, फला जगह घटना की, इन इन घटनाओं में ये अभियुक्त है, और इसलिए अभी ये बहुत सिलसिले से
घटनाएं कर रहा, इसलिए इसके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। आपने ये आधार बना के कर दिया, अब ये सच है कि चार मुकदमे उसमें के छूट चुके थे और पांचवा मुकदमा जो था अभी निर्णय नहीं आया था, ऐसा भी नहीं था कि उसमें वो दोषी पा गए थे, लेकिन अब इस मुकदमे के आने की वजह से हो सकता है उस मुकदमे में भी ये आधार बना लिया जाए, या इसको आधार न भी बनाया जाए तो इस रोशनी में उसके निस्तारण पे सोचा जाए। अब मुख्तार का तो लखनऊ की अदालत में एक धमकी देने के मुकदमे में 7 साल की सजा दी गई, आप अगर देखेंगे तो शायद देश में नजीर नहीं मिलेगी, 506 के मुकदमे में 7 साल की सजा। उसके बाद एक और कोई उस जगह था, हाँ एक गैंगस्टर का और मुकदमा था वो छूट गया था, तो उसमें अपील में उनको 5 साल की सजा, और एक और कोई कुछ था तो उसमें उनको 3 साल की सजा। तो अब बहुत से लोग परेशान हैं, हम लोगों को भी पकड़ के सड़क पे कह रहे हैं लोग, भैया ये तो 7 साल, अब 5 12 साल, अब 3 18 साल, है 10 28 साल। हमने कहा नहीं, ये मुकदमों के सजा और ट्रायल का ये सिस्टम नहीं है, ये सारी सजाएं सब जिस दिन अनाउंस हो गया उस दिन से ही काउंट होने लगती है, और उसमें ये भी काउंट किया जाता है कि इस मुकदमे में कितने दिन पहले वो रह चुका है, उसको भी काउंट कर लिया जाता है। मैं समझता हूँ वहाँ जो मुकदमे में जिन मुकदमों में सजा हुई है जितने जितने दिन की हुई है उससे ज्यादा ज्यादा दिन से उन मुकदमों में वो जेल में है, और यहाँ भी कुछ ना कुछ दिन जरूर रहे होंगे। सांसद जी जो अब अफजाल अंसारी का कहना है कि मुख्तार अंसारी के मामले को हाईलाइट करने के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी है, अब ये राजनीतिक कारण क्या है और किसके फायदे का है इसे भी समझना जरूरी है। उम्मीद है कि आप भी समझने का प्रयास करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे।